शिष्य के सामने पूछती है तो बड़ी श्रद्धा से बड़े सम्मान से शिष्य करते हैं, अपना सर उसके सामने झुका देते हैं। जब सर झुकता है तो रविंद्र क्या बनता है? तो जो इस परीक्षा के पास हो गए वो कल्प कल्प की बाजी जीत गए, और जो इस परीक्षा में गए वो इसीलिए डाउटफुल नहीं बनना। तीसरा नेत्र खोल के रखना, यथार्थ को समझने की कोशिश करना और धीरज बनाए रखना। जो बाबा मुरलियों में बार बार गीत आता है ना, धीरज दर, धीरज का फल कैसा होता है? फिर खाने में क्या प्रॉब्लम है? कड़वा तो नहीं है ना, मीठा है। तो विश्वास मेरा ऐसा हो बाबा पर, गजब का विश्वास। हम बाबा को बोल दे कि तुम सर्वशक्तिमान हो, परंतु तुम्हारे ऊपर से मेरे विश्वास को तुम भी डगमग नहीं कर सकते। तुम मेरे बाबा थे, मेरे बाबा हो, और सदा सदा के लिए रहोगे। ठीक है ना, ऐसा बाबा को बोल सकते हो। ऐसा गजब का विश्वास निश्चय बना के रखिए कि मेरे विश्वास के सामने ऊपर वाले का सिंहासन तो डामाडोल हो जाए, परंतु मेरा विश्वास ऊपर वाला भी विवश हो जाए, सोच में पड़ जाए कि यदि इस बच्ची के विश्वास की लाज नहीं रखी गई तो संसार में से विश्वास खत्म हो जाएगा। विवश शब्दों से अपने विश्वास के सामने, जैसे छोटा बच्चा जब गोदी में होता है कभी कभी वो इतना इरिटेट होता है ना, ना खाने से मानता ना खिलौने से, फिर उस पर फ्लाई बनाई जाती है, उसको खुश करने के लिए उसे हवा में फ्लाई करते हैं। करते कि नहीं? जब छोटे थे आप तो आपके माता पिता ने आपको खूब ऊपर हिलाया, और यदि कोई अभी उठा के उछालने लगे तो क्या करोगे? तो वो जो बच्चा था छोटा, जिसको हवा में फ्लाई करते हैं, उछालते हैं, वो बड़ा खुश हो जाता है और उसकी मनसा रहती once again, once more, तो वैसे ही मुझे। आपको मालूम है बड़ी रिस्की सिचुएशन को फेस कर रहा है वो, अगर 1% हाथ से छूट जाए तो डेथ हो सकती है उसकी, लेकिन वो रिस्की सिचुएशन को इंजॉय कर रहा है, किलकारी मार के हंस रहा है। इसके बलबूते जिन हाथों पर वो है उन हाथों पर उसे अपने से अधिक भरोसा है कि ये मुझे गिरने। बस ऐसे छोटे से बच्चे बन जाओ और खुद को भगवान के हाथों में सौंप दो। अब चाहे तूफान सुनामी जैसा आ जाए, मेरे परम रक्षक के हाथों में इतनी ताकत है जो मुझे गिरने नहीं देता। सौंप दो, समर्पित हो जाओ पूरी तरह से, सौंप दो, लेकिन विश्वास को डामाडोल